क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है, फाइंड बाय। सो जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था उसमें हमें के निकालना था, सिमिलर है, ठीक है, और इसमें हमें सिर्फ वाई इक्वल टू निकालना है, ठीक है। सो देखो, अपने पास एक ट्रायंगल है एबीसी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, सो ठीक है, एंड ए बी सी, ठीक है, एंड एंगल बी गिवन है 90 डिग्री, एंड पॉइंट ए गिवन है -2.4, एंड पॉइंट बी गिवन है 3.y, एंड पॉइंट सी गिवन है 6.2, ठीक है, एंड हमें निकालना है कि y, हमें बताना है कि y इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम इनकी साइड निकालेंगे, सो ए सी इक्वल टू होगा, इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए सी इक्वल टू होगा x2 माइनस x1, सो ये 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस, एंड माइनस 2 है सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सो 2 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये अपने पास आ जाएगा, 6 प्लस 2 होगा 8, तो अपने पास आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 आएगा अपने पास -2, सो -2 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा अपने पास 8 स्क्वायर होगा 64 प्लस, एंड -2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है। सो ये आ जाएगा अपने पास √68। नाउ अब हम निकालेंगे BC, ठीक है, तो BC होगा अपने पास √x2 माइनस x1, सो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा अपने पास 2 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। सो देखो, 6 माइनस 3 आएगा अपने पास 3, सो 3 का स्क्वायर होगा 9, एंड ये प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हम ए बी निकालेंगे, सो ए बी इक्वल टू होगा √3 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये x2 माइनस x1, सो ये -2 में माइनस फिर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो अपने पास आ जाएगा 25 प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। नाउ देखो, इसमें एंगल भी क्या है 90 डिग्री, सो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, सो y पाइथागोरस थ्योरम by Pythagoras theorem AC square will be equal to BC square plus AB square, ठीक है। Now AC equal to given है 68, so AC square हो जाएगा 68, sorry AC equal to given है √68, so AC square हो जाएगा 68, so we write here 68 equal to BC square, so BC है अपने पास 9 plus 2 माइनस वाई का स्क्वायर, सो ठीक है अंडर रूट है, सो स्क्वायर करेंगे, सो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा ये 9 प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सो ए बी इक्वल टू है √25 प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर, सो स्क्वायर करेंगे, सो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा 25 प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर, so we can write 68 equal to 9 plus, now इसका हम square whole square break करेंगे, so अपने पास आएगा 4 plus y square minus 4y plus 25 plus इसका भी square break करेंगे y minus 4 का, so अपने पास आएगा y square plus 16 minus 8y, ठीक है।
सो बाई स्क्वायर हो जाएगा 2y2, ठीक है, 68 इक्वल टू 2y2 एंड दिस माइनस 4y एंड माइनस 8y हो जाएगा माइनस 12y एंड 25 प्लस 9 एंड प्लस 4, सो 25 प्लस 9 हो जाएगा अपने पास 34 एंड प्लस 4 हो जाएगा 38, ठीक है, एंड प्लस 16 तो ये हो जाएगा अपने पास 54, ठीक है। फिर से देखो 25 में प्लस करेंगे 9 तो अपने पास आ जाएगा 34 एंड 34 प्लस 4 38 हो जाएगा एंड 38 प्लस 16 सो ये आ जाएगा अपने पास 54, ठीक है। सो वी कैन राइट 2y² माइनस 12y और ये 68 हम इधर लेकर आएंगे सो माइनस 68 प्लस 54 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। सो 2y² माइनस 12y 54 माइनस 68 होगा अपने पास माइनस ओके माइनस 14, ठीक है, इक्वल टू 0। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो अपने पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने 2 कॉमन लेकर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। नाउ ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई y में, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो y स्क्वायर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सो माइनस 6y को हम ले सकते हैं माइनस 7y प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये अपने पास आ जाएगा y कॉमन लेंगे y माइनस 1 प्लस 1 इंटू y माइनस 7 इक्वल टू 0, सो वी गेट y प्लस 1 इंटू y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें y की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो y इक्वल टू माइनस 1 एंड 7, ठीक है। सो दिस इज द आंसर।